हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्लास फिफ्थ के लेसन वन, जो कि गॉड अलमाइटी एक पोयम है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पोयम क्या होता है? पोयम बच्चों ये होता है कि जैसे एक कवि अपनी कविताओं को कहता है, ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोयम कहते हैं। पोयम और स्टोरी में फ़र्क क्या होता है? स्टोरी लाइन बाय लाइन बाय लाइन बोल दी जाती है, लिखी जाती है, लेकिन जो पोयम होता है उसमें एक कवि अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से तुकबंदी करते हुए, ठीक है, राइमिंग करते हुए दर्शाता है। ठीक है, उसे हम पोयम कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारा सुन लिखा हुआ कि जॉनी जॉनी यस पापा, ठीक है, ईटिंग सुगर नो पापा, बहुत सारे पोयम आपने पढ़ रखे होंगे जब छोटे थे आप। ठीक है, लेकिन अब आप अपने क्लास का पोयम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा पहला पोयम है गॉड अलमाइटी नाम से। ठीक है, क्या नाम है? तो बच्चों आप अपने बुक का, ये वाली बुक आपके पास होगी। ठीक है, ये आपको दो बुक लगती होगी, एक रीडर की एक ग्रामर की। ये रीडर की बुक है बच्चे, ठीक है, और ग्रामर की बुक में आप ग्रामर पढ़ते हो, जिसमें नाउन प्रोनाउन आप पढ़ते हो। तो बच्चों ये वाली बुक आप खोल लेंगे और पेज नंबर 5 पर आप आ जाएंगे, आपको ये चैप्टर दिखाई देगा गॉड अलमाइटी नाम से, जिसमें आपको दो बच्चे प्रार्थना करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है बच्चों, देखो एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि जो भी कोई पोयम होता है या फिर कोई स्टोरी होती है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसका भाव होता है, कुछ ना कुछ उसका टोन होता है, कुछ ना कुछ उसमें हमें सीखने के लिए चीज़ होती है। तो हम देखेंगे कि इसमें सीखने वाली चीज़ क्या है। ठीक है, चलो आ जाओ। लिखा हुआ पहला लाइन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल का मतलब क्या होता है बच्चे? सभी। थिंग्स का मतलब वस्तुएं, चीज़ें। ठीक है, ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? चमकीला। ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला। मैं यहाँ पे बच्चों मीनिंग लिखता जाऊँगा। सबसे इंग्लिश पढ़ने के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मीनिंग। अगर आप मीनिंग नहीं तैयार करेंगे तो आपको इंग्लिश कभी जीवन में पढ़ने नहीं आएगा। तो आज से आप कसम खा लीजिए कि जितनी भी मीनिंग आपको इंग्लिश में मिलते जाएंगे, उन्हें आप कॉपी पे नोट कर करके याद करते करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यही तरीका इंग्लिश पढ़ने का। अगर आपको इंग्लिश के मीनिंग नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। तो आपको जो भी मीनिंग मिले आप उसे लिखिए जरूर, उन्हें याद जरूर करिए। ठीक है, तो बच्चों मैं एक एक मीनिंग यहाँ पर लिख दूंगा जो आपके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, जो मुझे लगता है कि आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो बच्चों शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, गॉड अलमाइटी। गॉड का मतलब क्या होता है भाई? भगवान, जिसने इस संसार की रचना की है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, और अलमाइटी का क्या मतलब होता है? अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। हिंदी में बोलते हैं सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल, जिसके पास सभी प्रकार की शक्तियाँ हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। भाई जिसने इस संसार को बनाया, जिसने हाथी बनाया, घोड़े बनाए, हमें बनाया, ठीक है, वो वही तो सबसे ज़्यादा शक्तिमान होगा। ठीक है, तो भगवान का है ऑलमाइटी, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, यही इस कहानी में आपको बताया गया इस पोयम में। ठीक है, आगे आ जाओ। लिखा हुआ है पहला लाइन ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, ऑल थिंग्स ब्राइट, ब्राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है बच्चे, अब इसको ऐसे भी लिखेंगे, ब्राइट, ब्राइट का मतलब होता है बच्चे चमकीला। क्या होता है बच्चे? चमकीला। ठीक है, ब्राइट का मतलब बच्चे चमकीला, इसको हिंदी में भी आप जानेंगे। ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, एंड मतलब और, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है बच्चे? ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। मुझे नहीं लगता कि इसको लिखवाने की जरूरत, आप सबको पता होगा क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप भी ब्यूटीफुल होंगे। ठीक है, तो आप भी क्यूट होंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल मतलब बच्चे सुंदर होता है। ठीक है, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी वस्तुएँ जो चमकीली हैं और जो सुंदर हैं। अच्छा बताओ चमकीली कौन सी वस्तु होती है? चमकीली वस्तु जैसे आप आग देखते हो, आग में चमक होती है। आप आग देखते हो, आग में क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, फिर सुंदर क्या चीज़ है? जैसे चिड़िया हो गई, चिड़िया आपको बहुत सुंदर लगती होगी देखने में। ठीक है, खरगोश हो गए, बहुत सुंदर लगते होंगे आपके आपको देखने में। ठीक है, तो उन्हीं सब वस्तुओं की बात कर रहा है जो चमकती हैं, जो सुंदर हैं। अगले लाइन में लिखा हुआ ऑल क्रीचर्स, ऑल क्रीचर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? ऑल क्रीचर्स,
सी आर ई ए टी यू आर एस, क्रीचर्स। क्रीचर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ऐसे हिंदी में लिख लें क्रीचर्स, ठीक है। क्रीचर्स का मतलब होता है जीव जंतु, हिंदी में बोलते हैं जीव जंतु, ठीक है। मतलब कि ऐसी चीज़ें जिनमें जान होती है, ठीक है। इनको आप लिख लेंगे लिविंग थिंग्स, इनको आप और लिख लेंगे लिविंग थिंग्स, एल आई वी आई एन जी, लिविंग थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनमें जान होती है। अब बताओ ये बच्चे कुर्सी रखी हुई यहाँ पे, इस कुर्सी में जान है? नहीं है। हमारे अंदर जान है? हाँ। तो हम क्रीचर हुए? बिल्कुल हुए, हम क्रीचर हैं, ठीक है, हम जीव जंतु हैं, ठीक है। और जैसे हाथी हो गया, उसमें जान है कि नहीं है? है। अच्छा बताओ जो पेड़ पौधे क्रीचर में आएंगे कि नहीं आएंगे, जीव जंतु में? सोच के बताना, ठीक है। पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, आपने जरूर पढ़ रखा होगा, पेड़ बढ़ते हैं, इनमें वृद्धि होता है, ठीक है, इनमें भी बुढ़ापा होता है, इनमें भी जवानी होती है, इनमें भी बचपना होता है, तो इसका मतलब इनमें भी जान है। तो क्या इनमें जान है तो ये जीव जंतु है कि नहीं है, ये कौन बताएगा? ये आपके साइंस के टीचर बताएंगे, आप उनसे जरूर पूछिएगा, ठीक है, कि सर ये जो पेड़ पौधे हैं वो जीव जंतु हैं कि नहीं है, आप उनसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। आ जाओ, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ठीक है, सभी जीव जंतु जो बड़े हैं, ग्रेट मतलब बड़े बड़े, ग्रेट मतलब बच्चों देखो, ग्रेट का मतलब जी आर ई ए टी, ग्रेट का मतलब होता है ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है बच्चों विशाल, क्या होता है विशाल, या फिर बड़ा कह सकते हो आप, ठीक है, बड़ा भी कह सकते हो आप, ठीक है। ग्रेट का मतलब बच्चों विशाल, सभी जीव जंतु जो बड़े हैं और छोटे हैं, एंड स्मॉल, एंड स्मॉल का मतलब बच्चों जो छोटे हैं, सभी जीव जंतु जो बड़े हैं और जो छोटे हैं, ठीक है। ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स का मतलब अगली लाइन बच्चों, ऑल थिंग्स, थिंग्स का मतलब वस्तु, सभी वस्तुएं या फिर सभी चीजें। वाइज मतलब क्या होता है? वाइज, वाइज का मतलब होता है बच्चों बुद्धिमान, वाइज का मतलब डब्ल्यू आई एस ई, वाइज, वाइज, वाइज का मतलब होता है बच्चों बुद्धिमान। सभी चीजें जो बुद्धिमान है, ठीक है। एंड वंडरफुल, एंड वंडरफुल का मतलब क्या होता है? वंडरफुल का मतलब देखो, आपने सुना होगा सेवन वंडर्स, मतलब सात आश्चर्य, विश्व में सात आश्चर्य हैं, ठीक है, अब तो और भी संख्या बढ़ चुकी होगी। तो बच्चों वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, ठीक है, या फिर आप इन्हें और अच्छे शब्दों में कह सकते हो, मतलब बहुत सुंदर भी कह सकते हो आप इन्हें और शब्दों में, और अच्छे शब्दों में, ठीक है। द ग्रेट गॉड मेड देम ऑल, ओहो देखो ये कहना चाहता था ये, कि मतलब कि अभी तक हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अगली लाइन में मुझे समझ में आया, हम लोग को समझ में आया, द ग्रेट गॉड मेड देम ऑल, ठीक है, मतलब कि इस भगवान ने ही इन सब चीज़ों को बनाया है, ठीक है। तभी तो कहा कि ग्रेट गॉड अलमाइटी, ठीक है, कहा इसने कि सभी चीज़ें जो चमकती हैं, जो सुंदर हैं, सभी जीव जंतु जो छोटे बड़े हैं, ठीक है, सभी चीज़ें जो बुद्धिमान हैं और आश्चर्यजनक या फिर सुंदर भी कह सकते हैं, सुंदर हैं, उन सभी चीज़ों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। बात समझ में आ गई? देखो बच्चों, जैसे हम ऐसा मानते हैं कि जो सभी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, जैसे अब ये कुर्सी तो भगवान ने नहीं बनाई है, कुर्सी तो हमने बनाई है, लेकिन जो चीज़ें आपको पहले से प्रकृति में नज़र आती हैं, जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया, पृथ्वी हो गई, ठीक है, फिर आपको नदी दिखते होंगे, ठीक है, पहाड़ दिखते होंगे, फिर आपको सांप दिखते होंगे, बिच्छू दिखते होंगे, छिपकली दिखते होंगे, हिरन दिखते होंगे, हाथी देखा होगा आपने, शेर देखा होगा, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे, तो ये सब चीज़ें किसने बनाई हैं? ये सब चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं। और यही इस कहानी में बताया गया है कि भगवान ने हम लोगों की रचना की है, और वही सबसे ज़्यादा कौन है? शक्तिशाली है। बात समझ आ गई? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, ईच लिटिल फ्लावर, ईच मतलब क्या होता है? प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। फ्लावर मतलब फूल, सभी छोटे फूल, दैट, दैट क्या होता है बच्चे? दैट का मतलब यहाँ पर है जो, दैट का मतलब क्या है? जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो दैट क्या है यहाँ पर? रिलेटिव प्रोनाउन। दैट का मतलब यहाँ पर है जो, ठीक है, जो खुलते हैं, खुलते हैं का मतलब खिलते हैं, ठीक है, सभी छोटे फूल जो खिलते हैं, ठीक है, ओपन्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चे? खिलते हैं, ठीक। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, प्रत्येक छोटी चिड़िया, ईच मतलब प्रत्येक, लिटिल मतलब छोटे, बर्ड मतलब चिड़िया, दैट मतलब मैंने बताया जो, सिंग्स मतलब गाती है, प्रत्येक छोटी चिड़िया जो गाती है, आपने जब आप जब कभी कभी सुबह में उठते होंगे तो आप देखते होंगे ची 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 चिड़ियों की आवाज़ आती है, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है कि प्रत्येक छोटी चिड़िया जो गाती है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड, उन्होंने बनाया, अच्छा बताओ उन्होंने किसने, उन्होंने बनाया, किसने बनाया? भगवान ने बनाया, यहाँ पे ही का मतलब भगवान है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ग्लोइंग मतलब क्या होता है बच्चे? चमकते हुए, ग्लोइंग का मतलब होता है बच्चों चमकते हुए,
ग्लोइंग, चमकते हुए, ग्लोइंग का मतलब होता है वो चीज़ चमकते हुए यहाँ पर, ठीक है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, ग्लोइंग कलर्स का मतलब चमकते हुए उनको रंग जिसने दिए हैं वो कौन है, वो भगवान जी हैं, ठीक है। आपने तोता देखा हो, तोता तो उसमें देखा होगा आपने हरे कलर का होता है तोता, ठीक है। आपने कौवा देखा है, कौवा काले कलर का होता है। आपने हंस देखा है, हंस सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग चिड़िया अलग अलग रंग की होती हैं, अलग अलग जीव जंतु अलग अलग रंग के होते हैं। तो ये सब कारनामा किसने किया है, भगवान ने किया है, ठीक है। यही इस कहानी में बताया जा रहा है। आगे चलो, ही मेड देयर टीनी विंग्स, ही मेड उन्होंने बनाया, दियर मतलब क्या होता है, दियर मतलब उनका, आप लिख लेंगे TheIr, दियर। आप इन्हें दियर भी पढ़ सकते हैं, आप इन्हें देयर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। उनके, उनका या उनके, ठीक है। टीनी का मतलब क्या होता है बच्चों, टीनी, टीनी का मतलब होता है बच्चे छोटे या फिर छोटा, ठीक है। विंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पंख, WINGS, विंग्स, विंग्स का मतलब क्या होता है बच्चों, विंग्स, पंख, ठीक। ही मेड देयर टिनी विंग्स, उन्होंने बनाया उनके छोटे पंखों को, उन्होंने बनाया उनके छोटे पंखों को। अच्छा बताओ किनके छोटे पंखों को, तो अभी आपने इसके पिछले में पढ़ा है कि छोटे चिड़ियों किसने बनाया भाई, भगवान ने बनाया, जो चिड़िया गाती हैं तो उन्हीं के तो पंखों को बनाएगा भगवान। तो यही बात इसमें कही जा रही है कि भगवान ने छोटी चिड़ियों को बनाया, उनको उनके कलर्स में ग्लोइंग कलर, उनके पंखों में ग्लोइंग कलर्स भर दिए और उन्हें उसके टीनी विंग्स, उनके छोटे छोटे पंख बनाए। बात समझ में आ गई, चलो बच्चों आगे आ जाओ। अगले लाइन में लिखा है ही गेव अस आइज टू सी देम, ही गेव अस आइज टू सी देम, ठीक है। ही मतलब कौन, भगवान ने, गेव मतलब दिया, अस मतलब हमें, अस मतलब क्या होता है हमें, आइज, आइज मतलब आँखें, टू सी देम उन्हें देखने के लिए, किन्हें देखने के लिए भाई, चमकीली चीज़ों को, जन जीव जंतुओं को, बुद्धिमान लोगों को, ठीक है, और फूलों को, चिड़ियों को, ठीक है। उन्होंने देखने के लिए हमें क्या दी हैं, आंखें दी हैं। अरे भाई बताओ, अगर हमारे पास आंखें ना हो तो हम किसी को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो भगवान ने इतनी सुंदर संसार की रचना की है, उसके बाद हमें आंखें दी जिसके द्वारा हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। बताओ भगवान कितना पावरफुल है, यही बात बताई जा रही है, ठीक है। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, ठीक है। एंड लिप्स, लिप्स का क्या मतलब होता है बच्चों, होंठ, लिप्स का क्या मतलब होता है, होंठ, लिप्स, लिप्स का मतलब होता है बच्चों होंठ, होंठ, ठीक बच्चों। उन्होंने, भगवान ने हमें आंखें दी ताकि हम उन लोग को देख सकें, और हमें क्या दिए, होंठ दिए ताकि उनके बारे में हम कुछ बोल सकें। अच्छा बताओ तो बच्चों, अगर हमारे आंखें ना होती तो हम देख नहीं पाते, अगर हमारे होंठ नहीं होंगे तो हम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो जो हम भगवान के, जो ये पावरफुल भगवान हैं उनके जो हम वर्णन कर रहे हैं, उनको हम इतने सारे धन्यवाद दे रहे हैं, तो उनका वर्णन हम कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसीलिए भगवान ने हमें क्या दिए हैं, आँखें दी हैं और लिप्स दिए हैं। हाउ ग्रेट इज गॉड अलमाइटी, हाउ ग्रेट इज गॉड अलमाइटी, बताओ, मतलब ये आश्चर्य कर रहा है बच्चा कि बताओ भगवान कितना महान है, कितने पावरफुल हैं, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, जिन्होंने बनाई हैं सारी अच्छी चीज़ें, ठीक है। हु मेड ऑल थिंग्स वेल, जिन्होंने ये सारी चीज़ें इतने अच्छे से बनाई हैं, वो भगवान कितने पावरफुल हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों, एक बार फिर से कर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, सभी चीज़ें जो चमकती हैं और जो सुंदर हैं। ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, सभी जीव जंतु जो बड़े हैं और जो छोटे हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सभी चीज़ें जो बुद्धिमान हैं और आश्चर्यजनक या फिर सुंदर कह सकते हैं, सुंदर हैं। द ग्रेट गॉड मेड देम ऑल, ठीक है, इस महान भगवान ने ही इन सब चीज़ों की रचना की है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, प्रत्येक छोटे छोटे फूल जो खिलते हैं। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, प्रत्येक छोटी चिड़िया जो गाती है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, उन्होंने उसके
उजले पंख बनाए, ठीक है, उजले का मतलब चमकते हुए, ठीक है, चमकते हुए इनके, ही मेड देयर ग्लोइंग कलर्स, उन्होंने उनके चमकते हुए रंग दिए, ठीक है, ही मेड देयर टिनी विंग्स, उन्होंने उनके छोटे छोटे पंख बनाए, बात समझ में आ गई, ही गेव अस ऑल आईज टू सी देम, उन्होंने ही हमें इन चीज़ों को देखने के लिए आंखें दी हैं, किन चीज़ों को देखने के लिए, किन चीज़ों को देखने के लिए, इन सभी चीज़ों को देखने के लिए जिसका इस पोयम में वर्णन किया गया, या फिर जो चीज़ें हमें दिखती हैं वो आंखें हमें किसने दी हैं, भगवान दी हैं, भगवान ने दी हैं, ठीक है, एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, एंड लिप्स, और होंठ दिए जिनके जिनके माध्यम से हम इन चीज़ों का वर्णन कर पाते हैं, हाउ ग्रेट इज गॉड अलमाइटी, भगवान कितने महान हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं, हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल, जिन्होंने ये सारा संसार बनाया, जिन्होंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं इतने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बच्चों इस कहानी को किसने लिखा है, सी एफ अलेक्जेंडर ने लिखा हुआ है, ठीक है, आपके नीचे यहाँ पे बुक में कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, आप उन्हें देख लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे की क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, लेकिन बच्चों कुछ बातें करते हैं। तो बताओ बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान ने इन सब चीज़ों की रचना की है, ठीक है, हमें भगवान में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ठीक है, और हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि लोगों का गलत प्रभाव पड़े, बात समझ में आ गई, ठीक है, भगवान क्योंकि सब कुछ देख रहा है, आपको कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, इस कहानी से हमें यही सीख मिल रही है, ठीक। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगली क्लास में आपको ये सब मीनिंग याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब मीनिंग मैं आपसे पूछूंगा तो आपको जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, सारे मीनिंग आप कॉपी पे एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है, और इस कहानी को आप दो बार तीन बार इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखिए, ठीक है, उनको पढ़िए, ठीक, फिर उसके बाद हम अगली क्लास में मिलेंगे तो इस कहानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे और इन पर पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप अपने घर पर बैठिए, पढ़िए और इंजॉय करिए, अपने घर पे आप सुरक्षित रहिए, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।